और मेरे भाइयों कैसे आप लोग एमकेडेक में एक बार आपका फिर से स्वागत है। और जो हमारे चैनल पे नए हैं उनको बता दूं कि हम बात करते हैं पीछे रिलेटेड कंटेंट्स के बारे में, नए नए फोन्स के बारे में, गैजेट्स के बारे में, कौन सा फ़ोन बेस्ट है, कौन सा गेमिंग में बेस्ट है, सब कुछ बताते हैं। तो हमारे चैनल को मेक श्योर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, कमेंट में कुछ भी पूछ लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और एक लाइक बनता है इस वीडियो के लिए, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। तो अब हम चलते हैं हमारे आज के मेन टॉपिक के बारे में, जो एक होने वाला है 50K फुल PC बिल्ड। तो यहाँ पे हमने कुछ चीज़ें अवॉइड किए ताकि हमारा CPU एकदम फ्यूचर प्रूफ बने, अच्छा बने, इसलिए हमने कुछ चीज़ें वहाँ पे अवॉइड की है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे आपकी, तो अब हम चलते हैं हमारे सीधे PC बिल्ड की तरफ। तो यहाँ पे हमने लगाया है राइजन 5 3500। और बात करूँ इसकी प्राइस की, तो आपको 11500 में देखने को मिल जाता है बिटकार्ट पे। अमेज़ोन पे महंगे मिलेंगे तो अमेज़ोन से बाय मत करना। और बात करूँ बिटकार्ट की तो कोई दिक्कत नहीं है यार, आराम से कराओ PC बिल्ड, मैंने भी वैसे कराया था। काफ़ी अच्छी कंपनी है और काफ़ी ज़्यादा आपके पैसे बच जाएंगे वहाँ पे। और जो दिल्ली के आसपास है वो दिल्ली से करवा लेना, क्योंकि यार अगर आप दूर से हो तो दिल्ली मत जाना, क्योंकि आपका खर्चा काफ़ी लग जाएगा। और जो दिल्ली के पास है तो वो दिल्ली से करा लेना, आपको थोड़ी चीप में और देखने को मिल जाएगा। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे मदरबोर्ड की। तो मदरबोर्ड हमने लगाया है यहाँ पे MSI B450M.2। और यहाँ पे मैं बात करूँ इस मदरबोर्ड की, तो यहाँ पे भाइयों मदरबोर्ड में आपको इतनी अच्छी ओवरक्लॉकिंग नहीं देखने को मिलेगी। अगर आप ओवरक्लॉकिंग करना चाहते हो तो आपको 1500 रुपये और इन्वेस्ट करके आप ले सकते हो MSI की तरफ से आने वाला B450M VDH Max मदरबोर्ड, जो मैं खुद यूज़ करता हूँ। तो सब आपके हिसाब से आप देख लेना। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि हम यहाँ पे कौन सा ग्राफिक कार्ड लगाने वाले हैं। तो ग्राफिक कार्ड हमने लगाया है यहाँ पे 1650 सुपर Inno 3D की तरफ से आने वाला। और प्राइस की बात करूँ तो 13500 में देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे मैं बात करूँ PSU की, तो PSU हमने यहाँ पे लगाया है Corsair VS450W का, जो कि आपको देखने मिल जाएगा 2500 रुपीज़ के आसपास। और यहाँ पे बात करता हूँ कि अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे हमने स्टोरेज में क्या लगाया। तो स्टोरेज में हमने किंगस्टन की तरफ से आने वाली 120GB की SSD लगाई है। और यहाँ पे हमने लगाई है 1TB की हार्ड ड्राइव। दोनों की प्राइस की बात करूँ तो आपको 4500 में देखने को मिल जाएगी आराम से। और अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे हमने रैम कितनी लगाई। तो यहाँ पे हमने Corsair की तरफ से आने वाली 8GB की रैम लगाई है, एक स्टिक लगाई है, एक आप बाद में लगा लेना, क्योंकि यहाँ पे हमने प्रोसेसर और ग्राफिक कार्ड में काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया है, इसलिए हमने यहाँ पे 8GB रैम लगाई है और 8GB ही यहाँ पे बजट में बैठी है। तो ठीक है, स्टिल काफ़ी ठीक है 8GB रैम भी, और बाद में आप 8GB और लगा लेना। तो यहाँ पे बात करूँ इस रैम की, तो ये आती है Corsair Venzen LPX, जो कि 3000 MHz वाली रैम है और काफ़ी अच्छी रैम देखने को मिल जाती है आपको। और अब हम बात करें यहाँ पे कि यहाँ पे हमने कैबिनेट कौन सा चूज़ किया है। तो कैबिनेट हमने लिया है यहाँ पे एंड ई स्पोर्ट्स की तरफ से आने वाला 200TG, जो कि काफ़ी कमाल का यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है कैबिनेट। और इसकी प्राइस की बात करूँ तो आपको लगभग ये आपको देखने को मिल जाएगा 2900 के आसपास, और काफ़ी कमाल का कैबिनेट है। तो और PC बिल्ड की बात करूँ तो यहाँ पे हमने लगाए हैं 43000 रुपीज़। बिटकार्ट की प्राइस है, ये बिटकार्ट की ही है। और यहाँ पे आप अमेज़ोन से कराओगे तो आपको समथिंग 46000 के आसपास चला जाएगा ये PC बिल्ड, तो इसलिए आप बिटकार्ट से ही करा लेना। और जो दिल्ली के आसपास रहता है वो दिल्ली से जा करा लेना, पर अमेज़ोन से मत कराना। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे हम मोनीटर कौन सा चूज़ करने वाले हैं। तो मोनीटर हमने चूज़ किया है, तो मोनीटर हमने यहाँ पे चूज़ किया है BenQ की तरफ से आने वाला GW2270H, जो कि काफ़ी अच्छा यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है मोनीटर। और ये एक 16Hz रिफ्रेश रेट वाला मोनीटर है। और यहाँ पे बात करो इस मोनीटर की, तो काफ़ी कमाल का मोनीटर है 7000 रुपीज़ की प्राइस में। और यहाँ पे 7000 रुपीज़ के अंदर आपको देखने को मिल जाता है ये मोनीटर, तो काफ़ी अच्छा मोनीटर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। और मैं बात करूँ अब यहाँ पे कीबोर्ड और माउस की, तो यहाँ पे आप चीप वाला कीबोर्ड ले सकते हो 250 रुपये वाला या 300 रुपये वाला, और माउस भी आप एक बार चीप वाला ले लेना। जब आपके पास एक पैसे हो जाए तो आप एक अच्छा माउस ले लेना, अच्छा कीबोर्ड ले लेना। यहाँ पे हमने जो भी पैसे हैं वो ग्राफिक कार्ड और प्रोसेसर में लगा दिए हैं, क्योंकि वो आप चेंज नहीं कर सकते। कीबोर्ड और माउस आप कभी भी चेंज कर सकते हो। तो ये हमारा PC बिल्ड होता है कम्प्लीट 50000 का।
और बस आज की वीडियो बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।